अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड टाइम फूडिशियस। आज मैं आपके साथ काली मसूर की दाल फ्राई और बघारे हुए चावल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यकीन मानिए, ये इतना ज़बरदस्त और टेस्टी दाल और ये चावल लगता है कि इसके आगे आपको मटन और चिकन भी फीका लगेगा। और बहुत ही जल्दी ये बहुत ही कम वक्त में झटपट से तैयार हो जाता है ये दाल चावल। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कप ये काली मसूर की दाल ले ली है। तो यहाँ पर मैं इसे वॉश कर लूँगी। तो पहले मैं इसे पानी में थोड़ी देर के लिए भिगा कर रख दूँगी, तकरीबन 5 मिनट के लिए सिर्फ इसे हम भिगाएंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भिगाना है वरना इसके छिलके उतरने लगेंगे। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसे भिगा दूँगी, तो ये अच्छे से इसके मैल कट जाएंगे इसमें। और 5 मिनट भिगाने के बाद हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने कुकर में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है, तो मैं इसमें खड़े गरम मसाले डालूंगी। तो एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला है और 3-4 लौंग डाल देंगे हम, 7 से 8 काली मिर्च डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दिया है। तो ये जब ज़ीरा तड़कने लगे तो हम इसमें डालेंगे 1 प्याज। तो यहाँ पर प्याज बड़ी थी, मैंने इसे रफली स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो हमें यहाँ पर प्याज को सुनहरा होने तक इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पर हम इसे चलाते रहेंगे प्याज को, और ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। अब यहाँ पर हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट। और लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम भून लेंगे तो अच्छी स्मेल ख़त्म होने तक। अभी मसाला भून चुका है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच धनिया का पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे हल्दी का पाउडर। और ये पाउडर मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक हम इसे इस तरह से भून लेंगे। तो ये मसाला हमारा भून चुका है और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने अपनी दाल को वॉश करके रख लिया था, तो हम उसे डाल देंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम कुछ देर के लिए इसे भून लेंगे मसाले के साथ। और अब हम यहाँ पर 2 छोटे टमाटर हमने काट लिए थे टुकड़ों में, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है, और साथ ही हम डालेंगे 1.5 गिलास पानी। तो यहाँ पर मसूर की दाल है वो बहुत ही पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और इसे पकने में पानी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। और यहाँ पर कुकर का लिड हम बंद कर देंगे और 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी आने के बाद हम इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। जब तक हमारी दाल गल रही है तो यहाँ पर हम चावल को भिगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चावल ले लिया है, बासमती राइस है ये। तो इसे मैं 10 मिनट के लिए भिगा दूँगी, ज़्यादा नहीं भिगाएंगे हम, बस 10 मिनट के लिए हम इसे भिगा देंगे। और इसे अच्छे से हम 2-3 बार इसे भिगाने के बाद 2-3 बार इसे हम वॉश करके साफ़ कर लेंगे। तो हमने ये चावल को यहाँ पर भिगा कर रख दिया है, तब तक हम यहाँ पर इसे बघार डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है और यहाँ पर मैं 5 से 6 काली मिर्च डाल दूँगी, 3 से 4 लौंग डालेंगे हम इसमें, और 2 इलायची डालेंगे हम इसमें। इलायची डाले बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी चावल में। और यहाँ पर मैं डालूँगी 2 तेज़पत्ते और 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा। तो ये जब मसाले तड़कने लगे तो हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी प्याज, काट कर मैंने रख ली थी। यहाँ पर हम प्याज को डाल देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे, इसे थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं गोल्डन करना है प्याज को। अब हम इसमें डालेंगे हमारा राइस जो हमने भिगा कर रख दिया था, और बाद में हमने उसे अच्छे से वॉश कर लिया है, 2 से 3 बार हमने इसे धो लिया था अच्छे से। तो हम चावल इसमें डाल देंगे और फिर हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चावल लिया था, तो 2 कप के लिए मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाला है, तो ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है।
और यहाँ पर मैंने कुछ हरी मटर डाल दी है, उसे भी मैंने अच्छे से धो लिया था मटर को और उसे भी मैंने डाल दिया है। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और एक बार इसे सब चीज़ों को मिला लेंगे हम। तो देखिए ये हमारा चावल पकने को आया है और इसका पानी सूख गया है थोड़ा। जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए तो हम इसे दम पर लगा देंगे। तो हमारा चावल यहाँ पर 80% पक चुका है, तो अब हम इसे दम पर लगा देंगे। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और इस पर मैं ढक्कन ढक दूंगी और इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। और यहाँ पर हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे दाल को और मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है, कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया है। तो ये देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है और टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड करूँगी। तो ये पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ये ना बहुत ही गाढ़ी है और ना बहुत ही ज़्यादा पतली है, तो हमें इस तरह की दाल चाहिए। और अब हम इसे चला लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे। यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। यहाँ पर नमक डालने के बाद एक बार फिर हम चला लेंगे अच्छे से। और यहाँ मेरी दाल तैयार है, तो अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन रख दिया है, तो इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है और यहाँ पर मैं डालूँगी 4 से 5 लहसुन को मैंने पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लिया था और 3 हरी मिर्चों को मैंने बीच में से आधा आधा कट कर लिया है। तो हम इसे डाल देंगे और कुछ करी पत्ते मैं डाल दूंगी यहाँ पर। तो इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, पहले लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे और फिर हम इसे दाल में डाल देंगे इसे। और ये इस तरह से बघार डालने के बाद दाल में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, इसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो हमारी दाल फ्राई तैयार है। अब मैं यहाँ पर मुट्ठी भर हरा धनिया काट कर डाल दूंगी और हम इसे एक बार फिर से चला लेंगे। तो हमारी लजीज दाल तैयार हो गई है। तो देखिए हमारी दाल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पर लास्ट में मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर हम एकदम आखिर में डालेंगे और इससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी दाल इस तरह की है, तो बहुत ही लजीज दाल बनती है, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। अब हम चलते हैं अपने चावल की तरफ जो हमने दम पर रखा था। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और मैंने यहाँ पर ढक्कन हटा दिया है चावल का। तो देखिए चावल कितने अच्छे माशाल्लाह से खिले खिले से बने हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं चावल, दाना खिला खिला है इसका एकदम। तो इस तरह से आप चावल की रेसिपी भी ट्राई करें। हमारा चावल भी रेडी है और अब हम यहाँ पर इसे सर्व कर लेंगे। तो मैंने एक बाउल में निकाल लिया था दाल को और ऊपर से मैंने इसे गार्निश के लिए ऊपर से तली हुई प्याज डाल दी थी और हरे धनिए से मैंने इसे सजा दिया था। अब यहाँ पर हम एक प्लेट में चावल को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल को भी गार्निश करने के लिए हरा धनिया डाल दिया है ऊपर से और तली हुई प्याज भी डाल देंगे हम ऊपर से। तो बहुत ही शानदार लुक इसका आ रहा है और देख कर ही इसे खाने का मन हो रहा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस दाल और चावल बनता है। दाल चावल इतना मज़ेदार कि इसके आगे हम गोश्त भी नहीं खाएंगे और दाल चावल खाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।